फ्रेंड्स, हेयर आप पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड। डोंट एवर सेव एनीथिंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, बींग अलाइव इज द स्पेशल ओकेजन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको रोज क्लास अटेंड करना चाहिए और मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। जो भी आपके पास कन्फ्यूजन्स है मुझे वो दूर करना चाहिए। आप लोगों को अंग्रेजी ज़रूर सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इसी सेंटेंसेस पर, इसी तरह के सेंटेंसेस पर आधारित है, बेस्ड है। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप रोज की बोलचाल के दरमियान आप बोलते होंगे कि मुझे जाना चाहिए, यार तुमको बाइक ज़रूर खरीदनी चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं अक्सर। तो इन सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज उसी सेंटेंसेस पर, इसी तरह के सेंटेंसेस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो लेट्स गो। Should, must and ought to. Do you know about the should, must and ought to? ये तीनों क्या है? Should, must and ought to. जिस तरह के सेंटेंस मैंने शुरुआत में बोला आप लोगों से, उसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है। दीज आर द मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसमें अपनी इच्छा जाहिर की जाती है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम शुड, मस्ट और ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जब भी सेंटेंस के अंत में वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, आप समझ चुके होंगे कि क्रिया किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, तो वर्ब के लास्ट में, अंत में ना आएगा और उसके बाद चाहिए आएगा, नहीं आएगा फिर चाहिए आएगा। जैसे आपको बाइक खरीदनी चाहिए, आपको एक बुक खरीद लेनी चाहिए, मीन्स नहीं चाहिए, ना चाहिए, ऐसा आता है वर्ब के साथ लास्ट में। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम शुड, मस्ट या ऑट टू से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने मस्ट एंड आउट टू क्यों लिखा है इनके साथ। तो मस्ट एंड आउट टू द बोथ आर सेम। मस्ट और आउट टू दोनों का ही मतलब एक ही होता है, मतलब सेंटेंस में अगर हम जोर दे के बोलते हैं या जरूर या अवश्य शामिल करते हैं सेंटेंस में और चाहिए आता है उसमें, तो उसमें हम या तो मस्ट लगाकर बनाएंगे या आउट टू लगाकर बनाएंगे, या मस्ट या आउट टू लगाकर बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, अब मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, तो आई मस्ट गो, ठीक है फ्रेंड। या आई आउट टू गो, या तो हम मस्ट लगाकर बनाएंगे या आउट टू लगाकर बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप आउट टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टू लगाना ज़रूरी है, आउट का इस्तेमाल करते हैं तो, ये इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें टू लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए हम कुछ और भी सेंटेंसेस के द्वारा जानते हैं इस, इनको आप अच्छी तरह से लिख लेना, शुड, मस्ट एंड आउट टू, और इनका फार्मूला, पहचान का नियम और बनाने का नियम यह है, और ये सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया है। तो आइए हम कुछ और भी सेंटेंसेस लिख कर बनाते हैं और समझते हैं। तुम्हें बाइक ज़रूर खरीदनी चाहिए, तुम्हें बाइक ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो इसमें ज़रूर आया या तो अवश्य आएगा या ज़रूर आएगा, तो दोनों ही हालात में हम मस्ट या आउट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यू मस्ट बाई बाइक, या यू आउट टू बाई बाइक,
ठीक है फ्रेंड, सभी लोगों को अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, सीखनी ही चाहिए, सभी लोगों को अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। इसमें अवश्य या ज़रूर नहीं आया है, लेकिन इस सेंटेंस में ही से पता चल रहा है कि हम जोर दे के बोल रहे हैं कि सभी लोगों को इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, मीन सभी लोगों को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ अवश्य और ज़रूर आएगा तभी हम ought to या must का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं कि सभी लोगों को अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, मीन्स जोर दे के बोल रहे हैं कि सभी लोगों को इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए या सीखनी ही चाहिए। सिंपल है, तो इसको हम बनाएंगे एवरीबॉडी मस्ट लर्न इंग्लिश या एवरीबॉडी आउट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है ये समझना, और बहुत इजी है। आप इन सेंटेंसेस को लिख लेना, और मुझे नहीं लगता कि आपने समझा नहीं होगा अभी तक कि शूट कहाँ लगाते हैं और मस्ट कहाँ लगाते हैं और ऑट टू कहाँ लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में किसी को सजेस्ट करते हैं और उस पर जोर दे के बोलते हैं तब मस्ट या ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे सिंपली हम बोल देते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो, तुम्हें रोज़ 2 घंटे पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, तुम्हें मुझे मिलना चाहिए या मुझे तुमसे मिलना चाहिए। किसी भी हालात में अगर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, यू शुड मीट मी, मुझे तुमसे मिलना चाहिए, आई शुड मीट यू। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से जितने भी ना चाहिए नहीं चाहिए से ख़त्म होने वाले सेंटेंस को हम शुड मस्ट या ought to से बनाते हैं। ठीक फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और हम क्लास के अंत में लास्ट में एंडिंग में जो सेंटेंसेस देंगे उसको आप बना लेना, घर पे बनाना, अभ्यास करना, और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेज में हम इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन नोट्स बताएंगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। ठीक है फ्रेंड, तो जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और रोज़ का क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। ये रहा आज का आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बनाना, बहुत ही ईजी है। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।